क्लास 12th, सब्जेक्ट बैंकिंग, टॉपिक है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, साख पत्र। साख पत्रों में प्रकार में कर हम लोग चेक पढ़ रहे थे, तो चेक की परिभाषा, चेक की विशेषता और चेक की पक्षकार, ये तीन चीज़ें हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चेक के प्रकार, काइंड्स ऑफ चेक। जैसा कल बताया गया था, चेक एक ऐसा विनिमय पत्र होता है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है और जो स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता है। चेक एक प्रकार का धनादेश भी है, धन का इसमें आदेश दिया जाता है, मुद्रा का, पैसे का। तो यह एक लिखित और शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिससे लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और इसमें उल्लिखित किसी व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को या वाहक को बैंक से पैसा मांगने पर एक निश्चित रकम किसी विशेष बैंक को देना होता है। हम लोग पढ़ेंगे चेक के प्रकार, काइंड्स ऑफ चेक। चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक लगभग 9 प्रकार के होते हैं। पहला है आदेशित चेक, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक, इस प्रकार के चेक का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को ही किया जाता है। इस पर व्यक्ति के नाम के साथ ऑर्डर शब्द लिखे जाते हैं। चेक प्रायः इसी प्रकार के लिखे जाते हैं। यदि ऐसे किसी चेक का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को दिलाना होता है तो उसे किसी व्यक्ति को केवल सुपुर्द कर देना मात्र पर्याप्त नहीं है, अपितु उस व्यक्ति के पक्ष में चेक का वेचान लेख भी लिखना आवश्यक होता है। इस प्रकार के आदेशित चेक कहा जाता है। मतलब जब चेक पर ऑर्डर चेक किस व्यक्ति को देना है ऐसा एक आदेशित ऑर्डर लिख दिया जाता है तो वह व्यक्ति पा जाता है, तो इसे बोलते हैं आदेशित चेक। दूसरा है वाहक चेक, बियरर चेक। बियरर माने होता है वाहक, माने जो वहन करे, धारण करे। तो चेक जो भी व्यक्ति लेकर बैंक के काउंटर पर जाता है, बैंक की खिड़की पर जाएगा, बैंक उसी को चेक की राशि का भुगतान कर देता है, तो इसे ही वाहक चेक कहते हैं। इस प्रकार के चेक का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को कर दिया जाता है। इस पर व्यक्ति के नाम के साथ साथ बेरड शब्द लिखा रहता है। यह चेक हस्तांतरणीय होता है, मतलब ट्रांसफरेबल, कोई भी व्यक्ति इसको ट्रांसफर कर सकता है, कई व्यक्ति को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो जो अंतिम व्यक्ति होगा, माने जो बैंक की खिड़की पर पहुंचेगा चेक लेकर के, उसे ही बैंक पेमेंट कर देगी, इसे कहते हैं बियरर चेक। तीसरा है कोरा चेक, ब्लैंक चेक। जब किसी चेक में समस्त बातें लिखकर धनराशि छोड़ दी जाती है तो ऐसे चेक को कोरा चेक कहते हैं। कोरा माने ब्लैंक, खाली। ऐसा केवल उस दशा में किया जाता है जब लेखक को यह ज्ञात न हो कि उसे वास्तव में कितना रुपया देना है। सामान्यतया इस प्रकार के चेक अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही दिया जाता है जो धोखाधड़ी न करे। चौथा है विकृत या कटाफटा चेक, मूलिलेटेड चेक। तो मोटिलेटेड चेक जो होता है,
जब कोई चेक कहीं से कट फट जाता है, मैला हो जाता है या उस पर लिखावट मिट जाती है तो उसे विकृत या कटाफटा चेक कहते हैं। बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट है पूर्व तिथीय चेक, एंटी डेटेड चेक। ऐसे चेक जिस पर लिखने की तिथि से पूर्व की कोई तिथि डाल दी जाती है तो इसे पूर्व तिथीय चेक कहा जाता है। यदि कोई चेक 10 जनवरी को लिखा जा रहा है तथा उस पर 1 जनवरी डाल दी जाती है डेट, तो 3 माह पूर्व की तिथि होने पर इसे बासी चेक कहा जाता है। बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट है तिथि पश्चात चेक, पोस्ट डेटेड चेक। जब चेक पर कोई आगामी तिथि, भविष्य की तिथि डाल दी जाती है तो उसे तिथि पश्चात चेक कहा जाता है। जैसे कोई चेक 1 जनवरी को लिखा जा रहा है और उस पर 15 जनवरी डेट डाल दी गई है तो ऐसे चेक को भुगतान बैंक उस तिथि के आने पर ही करेगा, उससे पूर्व नहीं करेगा। नेक्स्ट है रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक। जब किसी चेक पर 2 समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उसे रेखांकित चेक कहते हैं। इन रेखाओं के मध्य में कुछ शब्द भी लिखे जा सकते हैं। ऐसे चेक का भुगतान बैंक नकद नहीं करता वरन ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इससे चेक का धन सुरक्षित होता है। जब चेक को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उसके मुख पर बाईं ओर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक या रेखांकन चेक कहते हैं। इसके बाद है खुला चेक, ओपन चेक। जब किसी चेक पर 2 समांतर तिरछी रेखाएं नहीं खींची जाती हैं तो उसे खुला चेक कहते हैं, अर्थात जो चेक रेखांकित नहीं है। ऐसे चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर प्राप्त हो जाता है। बेरर चेक की तरह ये होता है। नेक्स्ट है चिन्हित या प्रमाणित चेक, मार्क्स चेक। जब किसी चेक पर देनदार बैंक अपने हस्ताक्षर इस आशय के साथ कर देता है कि उसके पास लेखक के खाते में पर्याप्त धन है और जब चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह अप्रतिष्ठित नहीं होता है, तब ऐसा चेक चिन्हित या प्रामाणिक चेक कहा जाता है। तो ये 9 प्रकार चेक के प्रकार थे। अब हम लोग चेक का अनादरण या तिरस्कृत करेंगे। इसके कारण क्यों चेक का अनादरण होता है, क्यों चेक का तिरस्करण होता है, तिरस्कार होता है, डिसऑनर ऑफ अ चेक। अब चेक का अनादरण क्या है? अनादरण माने जिसका आदर न हो। तो ऐसे चेक जिसका भुगतान बैंक न करे या जिसका भुगतान बैंक करने से इनकार कर दे, वापस कर दे, ऐसे चेक को अनादृत चेक, अप्रतिष्ठित चेक, तिरस्कृत चेक कहते हैं। क्योंकि ऐसे चेक में कोई न कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई भ्रामक शब्द, कोई विकृत कटाफटा ओवरराइटिंग, कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करके अपने जोखिम को नहीं बढ़ाता। अब चेक के अनादरण के क्या कारण हो सकते हैं? पहला है तिथि न होना, नो डेट। जब चेक पर कोई तिथि न पड़ी हो, कोई डेट न पड़ी हो तो ऐसे चेक को बैंक वापस कर देता है, उस पर रकमों का भुगतान
नहीं करता है। नेक्स्ट है आगामी तिथि का चेक, पोस्ट डेट चेक। ऐसे चेक जिस पर भविष्य की तिथि पड़ी हो उसे कहते हैं आगामी तिथि का चेक। ऐसे चेक बैंक वापस कर देती है, इसका भुगतान नहीं करती। पूर्व तिथि का चेक, स्पेशल चेक। यदि किसी चेक पर 3 माह पूर्व की तिथि पड़ी हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता और उस पर बासी चेक, स्टेल चेक शब्द लिखकर वापस कर देता है। नेक्स्ट है विकृत चेक, मूलिलेटेड चेक। यदि चेक कहीं से कट फट गया हो, गंदा हो गया हो और उसमें लिखे शब्दों या अंकों के पढ़ने में कठिनाई हो रही हो तो बैंक चेक पर कटा फटा मूलिलेटेड चेक शब्द लिखकर वापस कर देता है तथा भुगतान नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त धन, इनसफिशियंट फंड। यदि किसी ग्राहक के खाते में पर्याप्त धन नहीं है या चेक की राशि से कम राशि जमा है खाते में तो बैंक ऐसी दशा में चेक का भुगतान नहीं करता और चेक पर रकम नहीं या अपर्याप्त रकम, इनसफिशियंट फंड्स लिख करके लेखक को वापस कर देता है। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम या भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत ऐसे चेक को लिखना दंडनीय अपराध माना गया है कि चेक में रकम ज़्यादा लिखी गई है और बैंक के खाते में बैलेंस कम है, ऐसी दशा में ऐसे चेक को दंडनीय चेक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंकों और शब्दों में अंतर, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर डिफर। यदि चेक में लिखी गई धनराशि में अंकों और शब्दों में अंतर है तब भी बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है, वापस कर देता है। चेक पर अंकों और शब्दों में अंतर, अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर डिफर शब्द लिखकर चेक वापस कर देता है। हस्ताक्षर में अंतर, सिग्नेचर डिफर। चेक का लेखक चेक पर जो हस्ताक्षर किया है और बैंक में खाता खोलते समय जो नमूने के रूप में हस्ताक्षर दिया है, इन दोनों हस्ताक्षर में यदि अंतर है तो बैंक सिग्नेचर डिफर शब्द लिख करके चेक वापस कर देता है। अपूर्ण चेक, इनकम्प्लीट चेक। ऐसे चेक जिसमें कोई बात लिखने से छूट गई हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है और उस चेक पर अपूर्ण शब्द, इनकम्प्लीट लिखकर वापस कर देता है। खाता बंद होना, अकाउंट क्लोज्ड। यदि चेक के लेखक ने बैंक में चेक के प्रस्तुत किए जाने के पहले ही अपना खाता बंद कर दिया हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है, उस पर खाता बंद, अमाउंट क्लोज्ड शब्द लिखकर वापस कर देता है। नेक्स्ट है रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक। जब कोई रेखांकित चेक बैंक की खिड़की पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है या विशेष रेखांकित चेक नामांकित बैंक के द्वारा भुगतान करने हेतु तो प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब बैंक उस चेक पर क्रमशः खाते में जमा कीजिए अथवा बैंक के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए शब्द लिखकर ग्राहक को वापस कर देता है। भुगतान का रोका जाना, पेमेंट स्टॉप्ड। यदि चेक का लेखक या खाता धारक चेक के भुगतान करने पर पाबंदी लगा दी हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता और उस चेक पर भुगतान रोका गया, पेमेंट स्टॉप्ड बाय द ड्रॉवर आदि शब्द लिखकर वापस कर देता है। भुगतान व्यवस्था न होना,
नो अरेंजमेंट, यदि ग्राहक के चालू खाते में पर्याप्त धनराशि न हो लेकिन अन्य खातों में पर्याप्त धनराशि जमा हो तो बैंक ऐसी दशा में भी चेक का भुगतान नहीं करता है तथा उस पर प्रबंध नहीं नो अरेंजमेंट शब्द लिख करके वापस कर देता है। नेक्स्ट है लेखक की मृत्यु। जो चेक का लेखक है, ड्रॉवर है, ड्रॉवर डाइड, यदि चेक का लेखक मर गया हो, भुगतान के प्रस्तुत किए जाने से पहले ही चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले ही लेखक की मृत्यु हो गई हो और इसकी सूचना बैंक को मिल गई हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है था उस पर लेखक की मृत्यु, ड्रॉवर डाइड शब्द लिखकर वापस कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है लेखक का दिवालिया, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवर। कभी कभी लेखक पागल या दिवालिया हो जाता है तो चेक लिखने के पहले पूर्व यदि लेखक पागल या दिवालिया हो गया है और बैंक को इसकी जानकारी है, इसकी सूचना मिल गई है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है। उस पर लेखक पागल या दिवालिया ऐसा शब्द लिख करके चेक वापस कर देता है। तो आज हम लोग चेक के प्रकार और चेक के अनादरण के कारण, काइंड्स ऑफ चेक एंड डिसऑनर ऑफ अ चेक का अध्ययन किए।